हे गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Realme 11 5G मोबाइल में आप किस तरीके से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आना है, नीचे की तरफ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड न्यूमेरिक अल्फान्यूमेरिक पैटर्न किसी एक पर आपको क्लिक कर लेना, तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको फिर से एक पैटर्न डाल लेना है अपने लिए, जो भी आप रखना चाहते हो उसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद ओके करिए और यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है इसको आप स्कैन करवा दीजिए। अच्छे से आपको स्कैन करवाना, जितना ही अच्छे से आप स्कैन करवाएंगे उतना ही फास्ट आपका फिंगरप्रिंट जो है वो वर्क करेगा। तो देख पा रहे हो मैं यहाँ पर जो है फिंगर को स्कैन करवा रहा हूँ और ये लगभग स्कैन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको भी करवा लेना है। और उसके बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन आएगा तो डन पे क्लिक करना है। और अभी आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो लग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने लॉक कर दिया और उसके बाद फिंगरप्रिंट आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो गया। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं।